सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लंकापति रावण के 10 सिर थे या नहीं थे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज हम। उससे पहले सभी हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ आद्यशक्ति पूरी करे, ऐसी कामना करता हूँ। ज़्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, लेकिन वो 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था। ये 10 शास्त्र रावण को कंठस्थ थे, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है। 10 कंठी का अर्थ ये नहीं है कि जिसके 10 कंठ है, 10 कंठी का अर्थ है कि जिसे 10 शास्त्र कंठस्थ है। तो उसके 10 कंठी नाम के कारण भी प्रचलन में लोगों ने मान लिया कि रावण के 10 सिर हैं। दूसरी एक बात जो शायद आपको नहीं पता होगी, जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि रावण अपने गले में बड़ी बड़ी 9 मणियों को धारण करता था। उस मणि में उसका मुख्य मुख दिखाई देता था, जिसके कारण लोगों को ऐसा आभास हो रहा था कि इसके 10 सिर थे। तो जैन शास्त्र ये मणियों को कारण बताते हैं। लेकिन पुराणों की माने, विद्वानों की माने, तो उसके अनुसार ये सिद्ध होता है कि रावण मायावी था, जो अपनी माया से 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और उसके जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध है, जैसे कि रावण के मामा मारिच का स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम जी का कटा सर रखना। ये सारी बातों से ये सिद्ध होता थे कि रावण और जितने भी असुर थे वो सभी मायावी थे और अपनी माया से वो कुछ भी कर सकते थे। तो रावण के 10 सिर थे, लेकिन वो इसको दिखाने का भ्रम पैदा करता था। इसको आप कृत्रिम मान सकते हैं, आर्टिफिशियल आप मान सकते हैं, रावण के 10 सिर और इसके 20 हाथों को। तो ये रावण के सिर की जो ये बात है वो बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय भी है। दूसरी एक बात कि रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध करने के लिए निकला था और प्रत्येक दिन उसका एक एक सर कटता गया, यानी कि शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध श्री राम जी ने किया था। तो ये सीधा उल्लेख मिलता है हमारे रामचरितमानस में कि हर दिन रावण का एक एक सर कटा था, यानी कि इसके 10 सिर तो थे ही। दूसरी एक बात कि रावण के 10 सिर जो थे वो अपनी इच्छा के अनुसार वो दूसरों को दिखा सकता था। रामचरितमानस में ये सीधा वर्णन आता है कि राम जी ने जितनी बार रावण का सर काटा उतनी बार वो पुनः आ जाता था। ये रामचरितमानस में सीधा निकला है। तो इसका अर्थ ये होता है कि रावण का 10 सिर होना, 10 सिरों का होना वो सिद्ध होता है। दूसरी एक बात कि रावण, हम अगर हम दूसरे प्रसंगों की बात करें रामचरितमानस के अनुसार, तो हनुमान जी जब रावण से मिले थे पहली बार, जब उसको समझाने के लिए, उसको चेताने के लिए गए थे, तब तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्लियर ये मेंशन करते हैं, क्लियर लिखते हैं कि हनुमान जी ने जब रावण को देखा तब रावण के 10 सिर थे और 20 हाथ थे। दूसरा भी एक प्रसंग रामचरितमानस में आता है कि जब रावण की बहन शूर्पणखा वो घायल होकर रावण की राज्यसभा में जब प्रवेश करती है, तब भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब भी रावण के 10 सिर थे, वो अपने मंत्रियों के साथ घिरा हुआ था और उसके 20 हाथ थे। तो रावण का 10 सिर होना वो गलत नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि रावण के 10 सिर थे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार उन 10 सिरों को प्रकट करता था, क्योंकि रावण सबसे बड़ा मायावी था। रावण और उसका बेटा इंद्रजीत, तो सबसे बड़े मायावी राक्षसों में उन लोगों का नाम आता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।